असल मिलियनेयर मैं हूँ चाय वाला। मिलियनेयर मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आजाद भाई मैं जॉब भी करता हूँ लेकिन मैंने बिजनेस करना है, मैं कैसे करूँ? इसका सिंपल सलूशन है, जिस तरह हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं इस तरह हम पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं। तीन मशहूर बिजनेस आपको बताता हूँ जिनका आपको लाजमी पता होगा, एंड दीज ऑल स्टार्टेड एज पार्ट टाइम। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं, और स्टीव वॉजनियक, स्टीव जॉब्स अटारी जो गेम्स बनाने वाले उनके लिए काम करते थे, और स्टीव वॉजनियक ह्यूलेट पैकार्ड के लिए काम करते थे। तो इनको तकरीबन 5 साल लगे वो एप्पल बनाने में, वो मैक बनाने में जो हम आज जानते हैं, आज तो नहीं जानते जो उस वक्त पहले इनकी जो प्रोटोटाइप्स थी, पहले जो इनके मॉडल्स थे, लेकिन दे डिड इट पार्ट टाइम। ठीक है, जॉब के बाद ये करते थे। दूसरा क्या है कि अपना खान एकेडमी को आप जानते हैं, सलमान खान नॉट द एक्टर, दिस इज सलमान खान द फाउंडर ऑफ खान एकेडमी। इन्होंने कैसे किया, ये ट्यूशन पर आते थे किसी एक रिश्तेदार को लॉन्ग डिस्टेंस, और आहिस्ता आहिस्ता इनके और रिश्तेदारों को पता चला कि यार ये ऐसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, तो दैट थिंग कोट ऑन, एंड फिर जाहिर उन्होंने खान अकेडमी ऐसे बना दिया। ऐसे जाहिर लोगों को जब उन्होंने वो प्लेटफॉर्म खोला तो लोग उस पर, इट ग्रू। इंस्टाग्राम आप सारे जानते हो, माइक और केविन दोनों पार्ट टाइम काम कर रहे थे, और जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कोवर्किंग स्पेस होती है, आप जाके एक डेस्क किराए पे ले सकते हो, बोथ ऑफ दीज गॉट वन ऑफ दीज डेस्क, शाम को और वीकेंड पे ये अपना इस पे काम करते थे, एंड दैट्स हाउ इंस्टाग्राम वाज क्रिएटेड। इस तरह तो नहीं था, इट वाज मोर लाइक स्क्वायर स्पेस जैसी एक नकल थी, बट है इंस्टाग्राम वो बाद में बनी। अब पार्ट टाइम कैसे बिजनेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि जब आप काम कर रहे होते हैं आप तकरीबन 8 घंटे ऑफिशियली काम करते हैं, जिसमें से आप 2 मजीद लगा दो आने जाने के लिए, 10 घंटे आपके 24 घंटे में से उस पर चले गए, पीछे रह गए आपके 14 घंटे, 14 घंटे में से 8 आपने सोना है, 6 रह गए जिसमें आपने अपनी तफरी करनी है, फैमिली के साथ गुजारना है। अब फैमिली के साथ आप ना 1-2 घंटे गुजार लें, तफरी को ख़त्म कर दें, माइनस अगर आपने कुछ पाना है तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ेगा, दैट इज़ द प्राइस, ये कीमत होती है कामयाबी की। अब सबसे सस्ता, सबसे लो रिस्क कौन सा बिजनेस है जिसमें आप जा सकते हो, आप सीख सकते हो, एंड दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज रिकमेंड, जिसको मैं कहता हूँ ये अगर ऑफलाइन आपने करना है, फिजिकल करना है, तो मैं उसे 1 डिश मिलियनेयर बोलता हूँ। आप कोई सा भी एक प्रोडक्ट खाने वाला बनाओ, उसके माहिर हो जाओ, या आपकी फैमिली में वैसे ही ना एक बात बनी हुई है कि ना फलां फलां अली शाइस्ता जो भी है, जो व्हाटएवर योर नेम इज़, फलां चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बनाता है, फलां चीज़ ज़बरदस्त बनाती है, इट कुड बी वन डिश, इट कुड बी फलूदा, इट कुड बी रसमलाई, कुल्फी, गुलाब जामुन, एनीथिंग, कोई जूस किसी किस्म का हो, बट आप वो एक चीज़ बनाते हैं उसके माहिर हो जाते हैं। अब आपने इसको करना कैसे है, तो जहाँ पर भी आप रहते हो, जो भी आपके करीब बाज़ार है, जो भी आपका खाने का फूड स्ट्रीट है, उसमें आप जाके शाम के 8 से 10 बजे एक स्टॉल लगा लो, बस आपकी वो चीज़ बन जाएगी कि भाई एक बंदा आता है, एक देग लेके आता है, 8 बजे आता है, इसकी 8:15 बिक गई, 9 बजे बिक गई, इसने चले जाना है। ठीक है, पीपल लव दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, उनको ये बड़ा मज़ा आता है, भाई उसके पास हमने जाना है, वो महदूद तादाद में करता है, महदूद क्वान्टिटी में करता है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, फटाफट उसकी बिक जाती है। आपकी जो भी डिश है चंद घंटे सिर्फ, या आप कहें ना यार सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे ये स्टॉल लगता है, ये नाश्ते वाला ना सिर्फ संडे को लगता है, ये नाश्ते वाला ना सिर्फ सैटरडे को लगता है। चूज़ योर ओन टाइमिंग्स, अपनी टाइमिंग खुद जिसमें आप कंफर्टेबल है। और 1 डिश मिलियनेयर का पता क्या फ़ायदा है, अक्सर जो इसमें सामान लगता है ना वो हमारे घर वैसे ही होता है, देचकियाँ, एक फालतू सिलेंडर हो गया, दूसरा तीसरा, फिर आपको जाहिर है जगह और अथॉरिटीज़ वाला खुद आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, दैट इज़ लंबा चक्कर, लेकिन वो सारा सिलसिला आपको खुद संभालना पड़ेगा। सो 1 डिश मिलियनेयर हो गया इफ़ यूर गोइंग ऑफलाइन। और बाद में क्या होता है कि लुक, इफ़ यू आर वर्किंग 40 आवर्स और ये काम साइड वाली, जिसे हम साइड हसल भी बोल सकते हैं, चलने पड़ती है, एंड यू आर इन अ सिचुएशन कि सर क्या मैं अपने घंटे काम कर सकता हूँ, कैन आई वर्क 30 आवर्स अ वीक, 40 घंटे जो हम काम करते हैं उसमें से हम क्या 30 कर सकते हैं, कैन आई गो पार्ट टाइम, मैं क्या 20 में जा सकता हूँ, मे बी आपके ऑफिस में शायद इतना काम है भी नहीं, एंड द बॉस वुड बी रियली हैप्पी, यार मेरा भी कोई भला हो जाएगा, मे बी इसके ऑपोजिट है, लेकिन आपने जॉब नहीं छोड़नी फिलहाल, बिगिनिंग में नहीं छोड़नी आपने। वाई? जॉब इज दैट सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ आ रहा है, आपके बिल्स पे हो रहे हैं, आपके सर पे वो प्रेशर नहीं है, बोझ नहीं है कि बस पैसे आप ही को इसी जरिए से बनाने हैं, यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट, आपको ना थोड़ी वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, थोड़े आप मजे से कर सकते हो, बिकॉज लुक बिजनेस है लॉन्ग टर्म जबरदस्त चीज, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको अपनी यो मारनी पड़ती है, सीरियसली अपने आप को मसलना पड़ता है, एंड इट्स नॉट अ गारंटीड सक्सेस, थोड़ा वक्त लगता है थोड़ा सीखने में, इसीलिए तो मैं कहता हूँ 1 डिश मिलियनेयर सस्ते में होती है, लो रिस्क है, और आप सब कुछ सीखते हो जो बंदा बड़े बिजनेस में सीखता है, कस्टमर सर्विस बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, खरीदो फरोख्त, बाइंग, कस्टमर इंटरेक्शन, डेडलाइंस, हर चीज़ आप वहाँ पे सीखते हो, लेकिन सस्ते में,
रियल लाइफ में, ठीक है? आपको पता आज बारिश थी, आज आज का क्या चैलेंज है, आज सर्दी है, आज का क्या चैलेंज है, सामान खत्म हो गया, आज का क्या चैलेंज है, अचानक बहुत ज़्यादा लोग आ गए, आज का क्या चैलेंज है, सी कोई फलान चीज़ कोई इंग्रेडिएंट खत्म होगी, हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल दिस, ये वो सारी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं, लेकिन जो उसके साथ जो रिवॉर्ड होता है, जो ग्रेटिफिकेशन होती है, वो इंस्टेंट होती है। क्यों? फर्ज करिए अभी मैं चाय बनाना शुरू कर देता हूँ, क्या मुझे चाहिए? बेटो पत्ती, बेटो चीनी, दूध सबके घर में है, देसी वगैरह सिलेंडर वगैरह मैं खरीद कर देता हूँ। व्हेन आई सेल माय फर्स्ट कप, फर्ज करिए मेरा 20 रुपए का बना, मैंने 50 का बेचा, 30 का बेचा, जितने बेचा 30 का भी बेचा, 40 का भी बेचा, 20 रुपए यार आई हैव दैट 20 एक्स्ट्रा रुपए एज इनाम एज अ रिवॉर्ड मेरी जेब में जाएंगे। सी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, शाम को आप रुपयों की जेब भर के जा सकते हो, यू हैव दैट ऑप्शन। इसमें ये मज़े की बात है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म वाले बिजनेस होते हैं ना, इसमें प्लानिंग है, हम दुकान लेंगे खोलेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यस इंशाल्लाह एक दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, बट स्टार्ट विद दिस। मे बी आप ऑफलाइन नहीं करना चाहते, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, अगेन आस्क परमिशन ऑफ योर बॉस, लाजमी कि सर क्या मैं कर सकता हूँ। अब मेरे ऑफिस में मैं किसी को इजाज़त नहीं देता टू डू एनीथिंग जो मेरे साथ कम्पीट करती है, या इट इज़ ऑनलाइन। आपने बेकरी खोलनी है, आपने दर्जी का काम करना है, जी बिस्मिल्लाह, आई विल लेट यू डू दैट, बिकॉज वो आपका जहन टोटली सेपरेट इंडस्ट्री में चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी ऑनलाइन करना चाह रहे हैं या आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, आई टोटली डिसअलाउ इट, वो मुझे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और ज़ाहिर है मेरे जैसे और भी होंगे दैट थिंक लाइक दैट। तो आपने अपनी जो जॉब है जेपरडाइज नहीं करनी, खतरे में नहीं डालनी, एंड दैट्स इट, ठीक है? ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, गो पार्ट टाइम, और ज़रूरी नहीं है यू डू इट एवरी डे, लाइक मैंने जैसे कहा ना, डू इट ऑन द वीकेंड, संडे को करो, सैटरडे को करो, मे बी बुध वाले दिन ना शाम को ये बंदा आता है 6 घंटे लगाता है। एक रवाज सा बनाओ, लोगों तक ना ये खबर पहुँचाओ, स्टार्ट विद यो खुद की जो सोशल मीडिया करीब की जितने ग्रुप्स हैं ना उस इलाके के, फर्ज करें आप एक फलां सेक्टर में हो, गो टू फेसबुक और देखो सेक्टर के कितने ग्रुप्स हैं, उनमें न्यूज़ फैलाओ कि जी मैं फलां तारीख को फलां जगह पे बिरयानी बेच रहा हूँ, माइचा बेच रहा हूँ, कुल्फी बेच रहा हूँ, ज़रूर आना, 2% डिस्काउंट, 2% लगाएंगे ना तो आवाम बागी आएगी इंशाल्लाह। ओके, दिल शहर है तो यार देखो पागल है 2% कर रहा है, आई एम गोइंग टू रन दैट एज एन एडवर्ट इंशाल्लाह, देखना कितना उसका रिजल्ट बेहतरीन निकलेगा। एनीवे मैं हूँ ज़्यादा चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बिजनेस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, एंड जिंदगी में सबको एक ना एक टाइम जरूर करना चाहिए, इट्स अ वेरी अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, बंदे को लीडर बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। फिर बेशक आप वापस कहाँ पर चले जाएँ, गो बैक टू योर जॉब, लेकिन आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप बेहतर एम्प्लॉई बनेंगे, आपके जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ के वो बढ़ जाएंगे जस्ट बिकॉज आप यू रन अ बिजनेस। मैं हूँ ज़्यादा चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, एंड मेरे पीछे जो लिखा हुआ लगे रहो मेरे बब्बर शेर मिलियनेयर हो आप अभी उस, क्योंकि आप बिजनेस में नहीं आए, मे भी अगर आपके पास स्किल है तो फिर आप मिलियनेयर कहलाते हो, बट नहीं तो इंशाल्लाह वेलकम टू माई ग्रुप, ठीक है? इन एडवांस अस्सलाम वालेकुम।